नवरात्रि के सप्तमी को हर साल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पंडाल पहुंचते हैं और वहां जाकर माँ दुर्गा के दर्शन करते हैं और वापस चले आते हैं। इस साल भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार डाक बंगला चौराहा पहुंचे, वहां जाकर उन्होंने माता के दर्शन किए, पंडाल देखा और उसके बाद मस्तक टेक कर वापस चले आए। ये तस्वीर हम आपको दरअसल डाक बंगला चौराहे की दिखा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने कई सारे नेताओं के साथ यहां पहुंचे हुए हैं और यहां पहुंचकर उन्होंने माता के दर्शन किए, माता के सामने मस्तक टेका और उसके बाद यहां से दूसरे पंडाल की ओर रुक कर लिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हर साल की तरह इस साल भी आए। लगातार कई सालों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना के कई सारे पंडाल जाते हैं, वहां जाकर माँ दुर्गा के दर्शन करते हैं, माथा टेकते हैं माँ दुर्गा के सामने और उसके बाद वापस चले आते हैं। ये तस्वीर हम आपको डाक बंगला चौराहे की दिखा रहे हैं और उसके बाद हम आपको बता दें कि दरअसल पटना के शेखपुरा भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे हुए थे। वहां जाकर भी उन्होंने माता के दर्शन किए, वहां माता को प्रणाम किया और उसके बाद अपने तमाम सुरक्षा कर्मियों के साथ वापस चले आए। खजपुरा शिव मंदिर की ये तस्वीर है, जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार माता की आरती करते दिखाई दे रहे हैं। दरअसल हर साल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहां जरूर आते हैं, शिव मंदिर में आते हैं, माता को प्रणाम करते हैं, माता को आरती दिखाते हैं और उसके बाद वापस चले आते हैं। हालांकि दुर्गा पूजा के अलावा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शिवरात्रि के दिन भी यहाँ आते हैं, शिव भगवान को प्रणाम करते हैं और आज भी जब नवरात्र मनाया जा रहा है, आज सप्तमी को माँ काल रात्रि की पूजा होती है, तो आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये जरूर निश्चित करते हैं कि वो हर साल की तरह सप्तमी को हर पंडाल जाए। आज जैसे ही माता का मुख खोला गया, माता के सामने का पट खोला गया, तमाम भक्तगण आ रहे हैं और आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ कई सारे नेता ढेर सारे पंडालों में जाएंगे, वहां जाकर माता के दर्शन करेंगे, पंडाल को देखेंगे। अलग अलग तरह के पंडाल आपको इस बार पटना में दिखाई देंगे। कई सारे थीम बेस्ड पंडाल बनाए गए हैं, जहां पर कलाकार और मूर्तिकारों की कलाकृति आपको देखने को मिलती है। नमस्कार, आम जनता पार्टी राष्ट्र की ओर से इस दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर समस्त देशवासियों को और बिहार वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। क्या आप अब भी माता पिता बनने का इंतजार कर रहे हैं? ओएसएस फर्टिलिटी ने लगभग 90,000 जोड़ों के जीवन में खुशियां भर दी हैं। आज ही 8929755101 पर कॉल करें। ओएसएस फर्टिलिटी के कम लागत वाले IVF उपचार की सहायता से अपना सपना पूरा करें और सभी को खुशखबरी दें।